कर पढ़ाऊँ दोस्तों, तो आप लोग कैसे स्वस्थ और मस्त जरूर होंगे दोस्तों। तो फिलहाल मैं आज आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि जैसे यूट्यूब में अपडेट आता है, मोबाइलों में अपडेट आता है, मोबाइल सॉफ्टवेयर में अपडेट आता है, वैसे क्या होता है कि कंप्यूटर ब्लैक वीडियो मशीनें होती हैं उसमें भी अपडेट आता रहता है। जैसे मैंने इधर साइड पर लगाया हुआ, तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो नई वर्जन की मशीनें होती हैं ना, उसमें कीपैड निकाल दिया गया और मशीनें केवल डिस्प्ले पे काम करें। जैसे टच स्क्रीन की मोबाइल काम कर रही है हमारी एंड्रॉयड की, जिससे हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो उसी तरह क्या होता है कि अब इस उनकी डिस्प्ले में भी अपडेट दे दिया गया और अलग अलग अपडेट दे दिया गया, तो मशीन चलते चलते ही क्या कर रही है कि जो कटाई का गेड़ा चलता है उसको क्या होता है कि चलते चलते ही आप प्रेस कर दो, टच्छू जैसा बना होता है उसके जैसा एक आगे लॉक जैसा लगा होता है, उसी के साइड से जब उसको प्रेस कर दोगे तो दो गेड़े के बाद वो तीसरे गेड़े से फिर उसने क्या करेगी कि अपने आप वो पैर चढ़ाना बंद कर देगी, यानी गेड़ा आगे गिनती कर देगी। तो ऐसी अपडेट्स बहुत सारी आई हैं, जैसे पल्ला का एलोकेशन लगाना नई मशीनों में अपडेट आ चुका है। और जैसे क्या होता है कि अब हमें कोई आधा पल्ला है उसका आधा भाग बनाना, वो भी अब मशीनों में हो गया एलोकेशन के जरिए, वो लग सकता है, बन सकता है। तो ये सब नई नई अपडेटें आती रहती हैं। और जो पुरानी मशीनें हैं, पुराना वर्जन है, उसके लिए क्या होता है कि कई बार हम आगे जो भी पुराना वर्जन का अपडेट होता है जिसमें क्या हुआ है कि टेकडाउन होता है, नई मशीनों में टेकडाउन निकाल दिया गया है, पुरानी मशीनों में टेकडाउन है, तो उसी हिसाब से क्या होता है कि कई ऐसी नेटें जो टेकडाउन के साथ चलती हैं, कई ऐसी मशीनें बिना टेकडाउन, ज़्यादातर ऐसी नेटें हैं जो टेकडाउन नहीं लगता फिर भी चल जाती है, और कई ऐसी नेट होती हैं जो डबल पिच के बाद चलती है। इंडाक्सिया का भी अक्सर देखा जाता था टेकडाउन के साथ बनाया जाता है। तो हमारी मशीनें ये चल रही हैं, आप लोग देख ही रहे हैं, साइड की मशीनें चल रही हैं, नई नई अपडेट आई है, नई नई नए इनोवेशन भी आ गया है और स्क्रीन टच भी आ गई है। और साथ साथ में क्या होता है कि हमें टल्ली अलग से कंप्यूटर से बनाना नहीं होता है, ये सारा कुछ कर लेते हैं। और जो पुराने डिस्प्ले में होता था उसके साइड पर वो एरो का निशान लगता था, इसके बीच में एरो का निशान दे दिया है। जैसे लूप लगाना होता है तो इसका कुछ अलग अलग से नाम दे दिया है, SCPI 1 करके दे दिया है इसका स्टिच नंबर। अब वहाँ पर क्या है कि प्रेस 1 दबाने के बाद स्टिच नंबर पूरा लिखा हुआ होता है, यहाँ पर SCPI 1 इसको आप उसे प्रेस करेंगे तो आ जाएगा, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है। तो कुछ ऐसी नई अपडेट हैं जो कि आती रहती है। फिलहाल दोस्तों हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, जो मैंने अभी ये दिखाया सारी जो मशीनों की, वो वीडियो कैसी लगी वो बताइए कमेंट में। और जो भी आप लोगों को जानकारी जानना है, आप लोगों की जानकारी जब मैं इकट्ठा कर लेता हूँ, मुझे भी टाइम नहीं होता, कई बार क्या होता है कि बनाना होता है, कई बार दिन दिन में पूरे दिन टाइम नहीं मिल पाता है, तो मैं क्या करता हूँ कि उसी तरह जो भी होता है कलेक्ट करता हूँ, छोटे छोटे क्लिप्स कलेक्ट करके फिर आप लोगों को बताता हूँ, फिर एक बड़ी क्लिप बना के उसको एक ही साथ, क्योंकि मर्ज करने में छोटा छोटा दिक्कत होती है, तो फिर क्या करता हूँ कि छोटी छोटी क्लिप में पहले समझ के समझा के फिर उसको एक बड़ी क्लिप बनाता हूँ जिसमें समझाने में आसानी होती है, तो आप लोगों को समझा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, जो भी जैसा भी अपडेट आएगा आगे वैसा हम बताते रहेंगे और जो भी जानकारी होगी वो भी देते रहेंगे। ये बता कि तुम्हें ये जो स्क्रीन टच वाली चलाने में अच्छा लगता है कि बटन वाली? ये आसान है यार, बटन में कौन सी करेगा, ये आसान है ना। और एक बात और है कि जो अपनी पुरानी वाली है जो कीपैड वाली है उसमें से टेकडाउन निकाल दिया गया है, लेकिन एक बात सही सही बताना, तुम्हें टेकडाउन का पता होता है? टेकडाउन क्या होता है? सेकंड रूलर जो टेकडाउन होता है पता है ना? अब जो नया बंदा आएगा सीखने, जैसे ये वाली मशीनें हैं इधर, ये वाली बिना टेकडाउन की है और इधर मेरे पीछे भी बिना टेकडाउन की है, तो अगर वो इन मशीनों पर काम सीखेगा, अगर कहीं डबल रूलर वाला वो आ गया तो सबसे पहले ये समझेगा कि वो है क्या, यही ना, वो यही कहेगा कि ये बड़ा रूलर है, यही कहेगा ना। हाँ, लेकिन उसको ये नहीं पता हो पाएगा कि ये टेकडाउन है। मैंने काफ़ी अपडेट भी आ चुका है जो पुराने। और एक बात और है, जो इस पर काम कर लेगा वो कीपैड नहीं चला पाएगा, है कि नहीं? भूल जाएगा, भूल जाते हैं, मुश्किल होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अभी हम पुराने वर्जन की मशीन चला रहे हैं, लेकिन नया में भी आके हम काम कर लेते हैं, तो एक बेसिक सी जानकारी है। तो और तिवारी जी ना सर, चल बढ़िया है, तिवारी जी भी अगर देखेंगे कभी वीडियो में तो कहेंगे तो मैं आ गया, लेकिन अभी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं सर। ये पूछ रहा कौन सा दिखा दे रहा,
ये वाली चल ठीक है, बढ़िया है। बाकी दोस्तों आप लोग भी समझ जाइए, अगर जो इस क्षेत्र में है जो नई वर्जन की मशीन चलाया है और जो पुरानी है, तो पुरानी में वो एक बार क्या होता है तो उलझ जाता है, देखो क्या आया वो धागा ख़त्म हो गया है। ठीक है दोस्तों, वीडियो इसी के साथ हम बंद करते हैं और मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी। और अब जो नई वाली मशीन है, नई वर्जन है, उसमें भी अब आप लोगों को कुछ ना कुछ अपडेट बताते रहेंगे, जो नया हमें लगेगा कि आप लोगों को बता देना चाहिए वो बताते रहेंगे, और आपको कमेंट में पूछेंगे सब कुछ बताते रहेंगे बेसिक जानकारी। लेकिन कितने लोग हैं क्या पता नहीं, कैसी कैसी जानकारी कोई जो हम भी नहीं बताते, बताने को तो बता लेंगे लेकिन उसमें उनका भी नुकसान है और हमारा भी नुकसान है। तो सही यही है कि ज़्यादा रिस्क ना लेके बेसिक जानकारी आप लोग पूछकर बता दें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद आपको।